स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस जीवन में कोई पाप है तो वो है खुद को कमजोर समझना। जीवन का सोर्स मन है और मन का सोर्स आत्मन या आत्मा है। आत्मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये ईगो है जो डाउट करता है और भुला देता है कि आपके पास ध्यान, इंट्यूशन, कल्पना और विचारों की असीमित शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। खुद को जानना और खुद को धोखा ना देना इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अपने ऊपर हमेशा संपूर्ण भरोसा रखो। हैव एब्सोल्यूट फेथ इन योर सेल्फ। पूर्ण विश्वास के बाद ही आप अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर सकते हो। एब्सोल्यूट फेथ इज एब्सोल्यूट पावर। पूर्ण विश्वास ही पूर्ण शक्ति है। अगला सिद्धांत कहता है कि सेल्फलेस एक्शन इज द हाईएस्ट एक्शन। हर कर्म एक शक्ति यानी इफेक्ट पैदा करता है और इस शक्ति का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर होता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि आपके हर एक एक्शन का असर ईगो पर हो रहा है। या तो ईगो ताकतवर हो रहा है या कमजोर। हम ईगो को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण हम अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। सेल्फलेस एक्शन ईगो को मारता है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सेल्फलेस एक्शन इज द हाईएस्ट एक्शन। अगर पैसा, पावर और प्रसिद्धि दूसरों की सेवा में काम आते हैं तो उनकी कोई कीमत है, नहीं तो ये सब विनाश की ओर ले जाते हैं। जब सेवा करके आपको शांति मिले, थोड़ी सी भी संतुष्टि महसूस हो, तो समझो आपकी शक्तियों का उत्थान हो रहा है। हमेशा सोचो कि मैं अपने काम से दूसरों को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसी कौन सी गिफ्ट है जिससे मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, क्योंकि देना ही पाना है।